हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह का 6 बज रहा है और मैंने अपने नाश्ते की तैयारी कर दी है। आज मैं नाश्ते में कद्दू बनाने वाली हूँ। कद्दू को मैं हींग और मेथी से तड़का लगाती हूँ। आप बताना, आप कैसे कद्दू की सब्जी बनाते हो? सबका अलग अलग टेस्ट है। कोई लहसुन से और प्याज से तड़का लगा के बनाता है। मैं कद्दू को केवल मेथी और हींग से ही छौंकती हूँ। और मैंने हींग भी डाल दी है, साथ में मेरा दूध भी गर्म हो रहा है। और यही मैं कद्दू की सब्जी आज टिफिन में रखने वाली हूँ गुड़िया के। और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी मिर्च, मैं इसमें चला दूंगी और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। ज़्यादा मसाला नहीं अच्छा लगता है, फिर आपका अपना अपना टेस्ट है। हर घर का अपना अपना टेस्ट होता है। और मसाला देखो भूंज गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है हल्का हल्का। बस मसाला ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा तेल छोड़े, बस ड्राई नहीं करना है मसाला बिल्कुल। बस अब यहाँ पे हम कद्दू डाल देंगे। कद्दू मैंने पहले ही धो के रख लिया था, मैं यहाँ पे कद्दू डाल दूंगी। बस कद्दू डाल के और इसको थोड़ी देर चला के और ढक के रख देना है बस। बाद में इसमें खटाई डालूंगी। खटाई में आमिया वाली डालूंगी। और ये कच्ची अमिया भी मैंने डाल दी है। अब इसको कच्ची अमी डाल के और इसको थोड़ी देर और ढक के रख देंगे, फिर ये हमारी कद्दू की सब्जी रेडी है। सब्जी के छिलके भी अभी मैंने काटे हैं, कद्दू वो उठा ला, वो भी डाल दें। रुको, ये लो आज। ये भी आ रही हैं, ये कह रही मुझे खाने को नहीं दिया। कहाँ जा रहे? सब्जी मंडी। और अकेले जा रहे? चलो आ जाओ, हम चलें। चलो आपको कुरुक्षेत्र की सब्जी मंडी दिखाते हैं। और ये हम सब्जी मंडी में पहुंच गए। ये देखिए यहाँ की कितनी बड़ी मंडी है। और यहाँ पे मैं सब्जी खरीद रही हूँ। यहाँ पे आप सब्जी ज्यादा भी खरीद सकते हो, कम भी खरीद सकते हो, क्योंकि ये थोक की सब्जी मंडी है, थोक सब्जी मंडी है। यहाँ पे आप बिजनेस के पर्पस से भी सब्जी खरीद सकते हो। और यहाँ पे मैं परवल खरीद रही हूँ। तो देखो मुझे परवल मिल गए। यहाँ पे जो बाहर सब्जी वाला आता है ना, वो परवल लेके नहीं आता। मैं उससे थक जाती हूँ कि परवल लेके आओ, बीन्स लेके आओ। तो मैंने कहा आज चलो मैं आज सब्जी मंडी ही चलती हूँ। यहाँ पे फ्रूट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये रख।
और यहाँ पर मैं ये सब्जी खाली कर रही हूँ क्योंकि वहाँ से सब्जी मंडी से आने के बाद ये नहाने चले गए। उसके बाद मैं किचन में आ गई, इनके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। सुबह सब्जी बना दी थी, बस इनके लिए रोटियाँ या पूड़ी वगैरह पराठे कुछ बनाना था। वैसे तो ये रोटी ज़्यादातर खा के जाते हैं। बस यहाँ पर मेरी सब्जी खाली कर दी और यहाँ पर ये मेरे मैंने अपने गैस भी साफ़ कर ली और यहाँ पर मैं फटाफट अपनी किचन साफ़ कर लूँगी और बाद में फिर बर्तन भी साफ़ करने हैं मुझे। मैंने किचन साफ़ की, उसके बाद मैं फिर अंदर साफ़ सफाई करने लगी। मैंने यहाँ झाड़ू लगा दी थी तो मैंने कहा सब्जियाँ धोऊंगी ना तब बाद में ये बेड़ा अच्छे से धुल जाएगा, क्योंकि मुझे नहाना इसलिए जल्दी पड़ा क्योंकि मुझे गुड़िया को लेने जाना था, टाइम हो रहा था क्योंकि ये 1 बजे तक आ जाती है। फिर मैंने गुड़िया को लेके आई, फिर मैंने उसके बाद ये सब्जियाँ धोई और सब्जियाँ धो मैंने कहा सब्जियाँ धो रही साथ ही साथ ये डलिया भी साथ में बास्केट भी धो देती हूँ, फिर इन्हीं में मैं सब्जियाँ लगा दूँगी सूखने के लिए। सब्जी धो लेती हूँ, साथ के साथ सब्जी धोऊंगी तो साथ के साथ ये बेड़ा भी धुल जाएगा, इसलिए मैंने सुबह के टाइम बस झाड़ू लगा दी थी और छोड़ दिया था बेड़ा। सब्जियां अच्छे से सूख गई हैं, ये लौकी और गाजर और मैंने परवल भी ख़रीदा, खीरा, शिमला मिर्च, अब ये सारे अच्छे से सब्जियां सूख गई हैं तो मैंने साथ के साथ फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, फिर ये कुछ मतलब बाहर पड़ी रहेंगी तो थोड़ी अजीब सी हो जाती है ना सब्जी, सूखी सूखी सी होने लगती है, तो मैंने कहा इनको साथ के साथ सूख गई है तो इन्हें मैं फ्रिज में लगा के रख देती हूँ और ये सारी सब्जियाँ मेरी बास्केट में अच्छे से आ जाएंगी। मुझे ना पास वो ख़रीदने हैं जिन वो क्या बोलते हैं जो पैकेट होते हैं ना सब्जी रखने वाले, वो ख़रीदने हैं मुझे। ये मैंने सब्जियाँ फ्रिज में लगा दी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मेरा मंगलवार और बुधवार 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है, मैं किस वजह से नहीं आ रहा मैं ये आपको बताना चाह रही इस वाली वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस वजह से नहीं आ रहा। और
मतलब उससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था ना कि, तो उसमें बताया था मैंने कि मेरे पेट में हल्का हल्का सा दर्द रहता है, वो दर्द मेरा बढ़ने लगा, मतलब बढ़ रहा था वो पेट में दर्द मेरा। तो इससे मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल किसी काम में मन नहीं लग रहा था। और बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो रही थी, इतनी थकान हो रही थी कि मतलब कोई काम, मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं करूँ ना, बस सारे दिन मैं बैठी रहूँ या लेटी रहूँ। तो फाइनली फिर हमने कल डॉक्टर को दिखा ही लिया। मैं काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रही थी, पता नहीं क्यों, मुझे ये कह रही थी हाँ तू चल चल, तू चल आज तो तुझे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि मतलब तुम डॉक्टर से बचना चाहती हो, बचती हो, हमेशा से डॉक्टर से बचती रहती हो कि नहीं मुझे डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। वाकई में मेरी हालत बहुत मतलब ऐसी हो रही थी, बस मैं तो करे जा रही थी काम कि चलो करना है, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता था बस कर लेती थी, थोड़ा सा रिलीफ मिला था ऐसे, तो ये बोला इस तरीके से मत करो जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो हमने कहा चलो, फिर ये फाइनली हमें कल लेके गए डॉक्टर के पास। और तो मेरे कुछ टेस्ट हुए, वो मैं दिखा रही आपको कि ये देखो कल का है ना, ये 11 डेट। और मेरे कुछ टेस्ट हुए जिसमें मेरा पेट में हमेशा दर्द बना रहता था, हल्का हल्का दर्द पेन होता था, और मुझे भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी और बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। मैंने यही सारे उनको जाके अपना बताया, मतलब डॉक्टर को तकलीफ अपनी बताई। डॉक्टर वो जीवन ज्योति हॉस्पिटल यहाँ पे कुरुक्षेत्रा में है, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, मतलब जाके पता चला कि बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए। और हम तकलीफ झेलते रहते हैं और बचते हैं, मतलब हम तो बाकी की तो नहीं करते होंगे, हम ज़्यादा बचते हैं डॉक्टर से। हमें मतलब पता नहीं कि बचपन से ही डॉक्टर से डर सा लगता है। ये देखो हमारा पूरा टेस्ट हुआ जिसमें मतलब मेरे पेट में तकलीफ रहती थी तो मेरा खाना पीना सही ढंग से नहीं चल रहा था। तो पेट में तकलीफ रहने से प्लेटलेट्स भी डाउन हो रहे थे मेरे, उसकी वजह से मुझे थकान कमजोरी महसूस हो रही थी। और उसके बाद मेरा पोटेशियम का जो लेवल होता है वो काफ़ी बहुत डाउन हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे और भी ज़्यादा मतलब थकान सी महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से पोटेशियम की कमी की वजह से मेरे पेट में भी दर्द रहता था। बस इतना मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन बस वो तकलीफ मैं मतलब झेल रही थी, ज़्यादा कुछ था नहीं। बस उन्होंने ये 3 दिन की मुझे दवाइयाँ दी हैं, 3 दिन की दी हैं, आज से मैंने स्टार्ट कर दी ये दवाइयाँ। ये उन्होंने कहा ये वाली दवाइयाँ आप खा के देखो, इससे आपको आराम लगे, फिर 3 दिन बाद आप दिखाना। और ये एक पोटेशियम का ये सीरप है, इसको मुझे 4 बारी पीना है। और ये वाली ये दवाई है, ये शायद उसकी है प्लेटलेट्स केयर की है। और एक ये है, ये पता नहीं कौन सी है, ओमी करके, ये 2 बारी है, आज ही मैंने खाई, आज ही मुझे काफ़ी रिलीफ सा लगा पेट में। मतलब पेट में क्या, जो मुझे थकान सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी वो, उससे मुझे रिलीफ मिला, उसकी कमी से पोटेशियम और जो मेरे प्लेटलेट्स, और मेरा हीमोग्लोबिन भी डाउन है, हीमोग्लोबिन भी मेरा काफ़ी डाउन है। ये देखिए काफ़ी है ये, और बस यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरी वीडियो मतलब किस वजह से मतलब नहीं आ पा रही है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।